गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो, आर यू रेडी टू लर्न अ न्यू थिंग, न्यू पीपल? यू वांट टू मीट न्यू पीपल स्टूडेंट्स टुडे? यस, ओके. सो इन आर ईवीएस क्लास टुडे वी विल मीट विथ आर न्यू हेल्पर्स, जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको हेल्प करते हैं, जिनके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता. ठीक, सो उसको सब सीखने से पहले प्रेयर, एंड आफ्टर प्रेयर वी विल डू अ क्लास. सो स्पीक एवरीवन. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमो नमः. ओके, प्रेयर डन. नाउ ओपन पेज नंबर 43. स्टूडेंट्स, सी इन लास्ट पेज नंबर 43. हमने लास्ट लेक्चर में आपको 43 में अपने हेल्पर के साथ आपको बात की थी, राइट? सो हियर फर्स्ट पिक्चर इज गिवन डॉक्टर, सेकेंड पिक्चर गिवन नर्स, थर्ड पिक्चर टीचर, एंड फोर्थ पिक्चर बैंकर, राइट? तो ये आपको, आई होप आपको सबको याद होगा. जो आपकी हेल्थ को सही करता है डॉक्टर, जो डॉक्टर को हेल्प करता है नर्स, जो आपको पढ़ाना सिखाता है टीचर, एंड दैट इज बैंकर, जहाँ पे आप अपने मनी जमा कर सकते हो. ठीक है, नाउ इन पेज नंबर 44 वी विल स्टार्ट अ न्यू सेशन. चलो, मेंशन डे, राइट स्टूडेंट्स? सो टुडे अगेन वी विल लर्न अ न्यू हेल्पर. चलो, फर्स्ट पिक्चर हियर गिवन पोस्टमैन, राइट? आपके घर पे जो आपके पापा का मनी ऑर्डर है, या किसी का लेटर है, या कोई बैंक स्टेटमेंट है, या कुछ भी आपके घर आता है, तो वो देने कौन आता है? पोस्टमैन. वो आपको मैसेज पहुंचाते हैं, रिटर्न मैसेज, राइट? अभी मोबाइल में तो आप टाइप करके मैसेज भेजते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मोबाइल से टाइप करके सेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप उसके लिए पोस्टमैन की हेल्प हम लोग लेते हैं. ठीक, आप लेटर डालोगे, जैसे हमने आपको लेटर लिखा और पोस्टमैन ने आपको लेटर पहुंचाया, फिर आप उसको रीड कर सकते हो. तो पोस्टमैन का काम क्या है? लेटर्स एंड पार्सल्स हैव कम फॉर मी, हु इज दिस दैट वी सी. अभी तो आप लोग ऑनलाइन जो बुक करवाते हो, तो आपके घर पे वो ऑनलाइन वाला सामान आता है ना, तो वो देने जो आता है वो पोस्टमैन ही होते हैं. अभी पोस्टमैन की डेफिनेशन चेंज हो गई है, पहले खाली लेटर आते थे, अब पार्सल भी आते हैं, अब पार्सल ज़्यादा आते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ पोस्टमैन, जो आपके लेटर्स को और पार्सल को आप तक पहुंचाता है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पोस्टमैन, राइट? एंड आफ्टर पोस्टमैन, कैन यू सी हियर पिक्चर ऑफ अ ड्राइवर? ड्राइवर मीन्स व्हाट स्टूडेंट? जो बस चलाता है ना, कोई भी जो ड्राइविंग करता है ना, दैट इज़ अ ड्राइवर, राइट? आप स्कूल बस में देखोगे, या आप रिक्शे में आते हो, वैन में आते हो, तो जो चलाते हैं ना बेटा, कोई भी व्हीकल्स, दैट इज़ अ ड्राइवर. तो वो क्या काम करते हैं? माई स्कूल बस गेट्स मी टू स्कूल एवरी डे. आपकी स्कूल बस आपको लेने आती है रोज़, राइट? कैन यू टेल मी हु टेक इट देयर इन ऑल द वे? सारे रास्तों पे कौन आपको ले जाता है? ड्राइवर. किसी बच्चे की स्कूल बहुत दूर है, तो ड्राइवर उसको अच्छे रास्ते से ले जाके स्कूल तक पहुंचाता है, फिर आपको घर भी छोड़ता है. तो आने जाने, ले जाने का काम कौन करेगा? ड्राइवर, राइट? सो बस चलाते हैं एंड आपको पहुंचाते हैं. तो हु इज़ दिस? अ ड्राइवर, राइट? नाउ वेरी इम्पोर्टेंट, अ बार्बर. बार्बर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? जो आपकी बालों की कटिंग करता है. बी से बाल होता है, बी से बार्बर होता है ना, हम लोग ऐसे सीखेंगे. ठीक है, बी से आपकी बाल और बी से बार्बर. क्या करते हैं बार्बर? व्हेन आई नीड टू कट माई हेयर, कट करते हैं. क्या कट करते हैं? हेयर, खाली बाल ही काटता है. वो विल कट इट एंड टेक इट केयर,
जो आपको लुक अच्छा बना देता है। आपके बाल जैसे बॉयज़ हैं तो उसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो लोग तो चोटी बांध नहीं सकते, नहीं बांध सकते ना, तो वो लोग बार्बर के पास, बॉयज़ और जो मैन होते हैं बार्बर के पास जाके कटिंग कराते हैं। ठीक है, तो जहाँ कट कराते हो उसको क्या बोला जाता है? बार्बर, बी से बार, बी से बार्बर। क्लियर? ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो घर है उसमें आपने लकड़ी का फर्नीचर, वुड फर्नीचर फर्नीचर देखा है, वो फर्नीचर कौन बनाता है? अ कारपेंटर। देखो तीन नाम इसमें है, सी ए आर कार, पी ई एन पेन, टी ए आर टर, कारपेंटर। कारपेंटर आपके घर का फर्नीचर बनाता है। जैसे कि आपके घर में बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, चेयर है ना, और आपका जो टेबल, आपका स्टडी टेबल है, वो सारी चीज़ें कौन बनाता है? कारपेंटर, राइट? कारपेंटर आपको सारी चीज़ बनाता है। आई नीड अ बेड एंड अ टेबल, हुम शुड आई कॉल टू मेक फर्नीचर न्यू, राइट? तो आप किसको बुलाओगे? कारपेंटर। ओके, पोस्टमैन, ड्राइवर, बार्बर, कारपेंटर, राइट? चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45 पे चले जाइए सामने। इन दिस पेज सेम न्यू हेल्पर इज अ शॉपकीपर। जो आप किसी भी दुकान में जाओगे तो जो आपका सामान बेचता है जो आदमी होते हैं वो लोग शॉपकीपर होते हैं, राइट? जो आपको सामान आपको देता है और आप उनको पैसे देते हो, ठीक, तो उनको क्या बोला जाता है? शॉपकीपर। जैसे गुजराती में दुकान वाला बोलते हो ना, नो, आपको आपसे क्या बोलना है? शॉपकीपर, राइट? आई नीड सो मेनी थिंग्स फॉर माई हाउस, ही विल हैव देम विदाउट अ डाउट। वो आपको सारी चीज़ें घर की प्रोवाइड करता है, ठीक, तो देट इज़ अ शॉपकीपर। मेक अ सर्कल अगेन हियर, शॉपकीपर। नाउ नेक्स्ट इज अ गार्डनर। हु इज गार्डनर? गार्डनर जो आपके गार्डन की देखभाल करता है, ध्यान रखता है, राइट? पौधों में पानी देता है, प्लांट्स को वाटरिंग करता है, प्लांट्स का ध्यान रखता है। तो आप कई बार पार्क में जाते हो या कहीं जाते हो तो आपको फूल तोड़ने से, लीफ तोड़ने से मना करते हैं ना, तो वो कौन होता है? गार्डनर, राइट? माली, जिसको हिंदी में आप माली बोलते हो, इंग्लिश में गार्डनर। जो फ्लावर्स इन माई हाउस, इन माई गार्डन नीड केयर, कैन यू टेल मी हु विल गो देयर? कौन वो सब करता है प्लांट वाला काम? गार्डनर। अगेन मेक अ सर्कल हियर, गार्डनर। नाउ प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके घर में जो नल लगे हैं, सबके घर में होता है नल, ठीक है, वो नल कौन लगाता है? प्लम्बर। पानी वाला, फिटिंग वाला, पाइप वाला, जितना भी काम है स्टील का, वो सारा काम कौन करेगा? प्लम्बर। वो प्लम्बर क्या करते हैं? द टैप्स आर लीकिंग। अगर आपका नल लीक है, देर इज़ अ वाटर एवरीवेयर, हुम डू आई कॉल फॉर द रिपेयर? जब आपका नल टूट जाता है या उसमें से ज़्यादा पानी गिरता है तो आप किसको बुलाते हो? अ प्लम्बर, ठीक। चलो लास्ट में आप आते हो अ कॉबलर। कॉबलर मीन्स वॉज, जो शूज़ बनाता है, राइट? आप मॉल में जाते हो, शॉप में जाते हो शूज़ की, तो आपको कितने सारे वेराइटीज़ के शूज़ देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन बनाता है बेटा? वो सारी चीज़ें बनाता है कॉबलर। कॉबलर बनाते हैं, ठीक है। मोची, चलो आप पेंसिल करो अपने सेंटेंस पे। आई नीड समवन टू मेंड माई शूज एंड मेक देम शाइन, होम शुड आई गो टू द टाइम? कौन आपकी शूज को एकदम चमक वाला और अच्छा सा बनाता है? डिजाइनर, कॉबलर। क्लियर? सो दिस इज योर हेल्पर पर्सन। जो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हियर शॉपकीपर, गार्डनर, प्लम्बर एंड कॉबलर, राइट? नाउ टर्न योर पेज।
Now students, here picture given and here instrument given, tools given. सबका अपना अपना tools होता है. आपको picture को देख के tools को match करना है. And you have to take scale for this. Right? I am ready with my scale. You also take your scale. Now first picture देखो scissor है. Right? Scissor वाला काम कौन करता है? तो scissor वाला काम बार्बर. तो वेर इज बार्बर्स इंस्ट्रूमेंट? यहाँ पे. आप चेयर पे बैठते हो, मिरर में आप देखते हो और वो बार्बर आपके बाल कट करता है. राइट? तो ये बार्बर वाला, पिक्चर वाला एंड टूल वाले दोनों डॉट्स को जॉइंट करना है लाइक दिस एंड मैच. ओके, लाइक दिस. राइट? नाउ सेकंड पिक्चर, गले में स्टेथोस्कोप और वाइट कोट कौन पहनता है? डॉक्टर. राइट? सो वेयर इज डॉक्टर टूल्स? दिस वन. सो दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस. राइट? कीप योर स्केल लाइक दिस एंड ज्वाइन बोथ द डॉट्स. क्लियर? नाउ थर्ड पिक्चर इज, ये जो आरी जैसा होता है दैट इज अ कारपेंटर. राइट? कारपेंटर कौन सा टूल यूज करते हैं? दिस वन, वुड वाला. राइट? ड्रेसिंग टेबल. सो कारपेंटर और फर्स्ट वाले डॉट को मैच करो बेटा लाइक दिस. राइट? एंड जॉइन द डॉट्स. ओके, नाउ फोर्थ वन, पोस्टमैन. तो सॉरी, पोस्टमैन नहीं है, ड्राइवर. राइट? तो ड्राइवर का टूल कौन सा है? बस. तो ड्राइवर को बस के साथ मैच करिए लाइक दिस. क्लियर? ओके, नाउ हियर कॉबलर गिवन एंड हियर शूज गिवन. राइट? सो मैच दिस बोथ द डॉट लाइक दिस. पुट योर स्केल लाइक दिस एंड मैच इट. डन? सो कुछ इस टाइप की पैटर्न आपके पेज में होगी. क्लियर? सो रीड एंड लर्न प्रॉपरली टू आर हेल्पर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको नेचुरल वर्ड के बारे में सिखाएंगे. तब तक आपको ये वर्क फिनिश करना है और आपको हेल्पर के नेम्स याद करने हैं. ओके बेटा, नाउ हम लोग अपना लेक्चर ओवर करें यहाँ पे. टेक केयर, गुड बाय.